नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त आईपीएल 2022 खेला जा रहा है। आईपीएल के 15वें सीजन में रोमांच अपने चरम पर है। इस दौरान कई तरह की बातें भी चल रही हैं। आपको बता दें कि आईपीएल में बाबर आजम भी खेलने आएंगे और 20 करोड़ रुपए पाएंगे, ऐसा सपना पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी देख रहे हैं। जी हाँ, उनका मानना है कि बाबर आजम आईपीएल में अगर खेलेंगे तो उन्हें कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए नीलामी में मिल जाएंगे। और ये बात कह रहे हैं उनके पूर्व शानदार तेज गेंदबाज शोएब अख्तर। आईपीएल में खेल चुके हैं शोएब अख्तर 2008 के सीजन में, और अब वो कह रहे हैं कि आईपीएल में अगर बाबर आजम की बोली लगे तो लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए उन्हें मिलेंगे और वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे तो बेहद ही दिलचस्प नजारा होगा। वैसे आपको बता दें कि 2008 एक केवल ऐसा सीजन था जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल खेलते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा उसके बाद जब पाकिस्तान ने हरकतें की, फिर मुंबई अटैक हुआ और जिस तरीके से गतिविधियां सरहद पर वो करते रहे उसकी वजह से रिश्ते खराब हुए और फिर पाकिस्तानियों को भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इसी वजह से वो आईपीएल से दूर हो गए। और हमेशा पाकिस्तान का हर एक खिलाड़ी सोचता है कि वह आईपीएल में आकर खेल के कुछ पैसा बटोर ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं होने वाला है। फिलहाल शोएब अख्तर ने क्या कुछ कहा है ये आपको मैं बता दूं। शोएब अख्तर बाबर आजम के लिए कहते हैं, वह कितना रोमांचक क्षण होगा जब आईपीएल नीलामी में बाबर आजम को 15-20 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा और वो पाकिस्तान के सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। तो आप शोएब अख्तर के इस बयान से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आईपीएल के लिए बाबर आजम के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बाबर खेलने के जाएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें 15 से 20 करोड़ रुपए मिलेंगे और उन्हें हर फ्रेंचाइजी बोली लगा सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से 11 खिलाड़ी आईपीएल में खेल चुके हैं। 2008 एकमात्र ऐसा सीजन था जहां पर ये खिलाड़ी हिस्सा ले चुके हैं। उस वक्त शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, उन्हें डेक्कन चार्जर्स ने 2.71 करोड़ रुपए में खरीदा था, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने शोएब अख्तर को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीदा था। इसके अलावा अजहर महमूद एक ऐसे मात्र खिलाड़ी हैं जो 3 सीजन खेल चुके हैं। वो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, हालांकि वो 3 सीजन इसलिए खेल पाए क्योंकि इनके पास बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का वीजा हो चुका था जिसकी वजह से वो आईपीएल का हिस्सा रहे। फिलहाल अब सपने देख रहे हैं शोएब अख्तर कि बाबर आजम भी आईपीएल में खेलने जाएं और लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की उनकी बोली लग जाए और वो मालामाल हो जाएं और पाकिस्तान का क्रिकेट भी भारत में आकर बहाल हो जाए। लेकिन ये सपना केवल सपना रहेगा और कभी भी शायद खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी ना दिखें क्योंकि उनकी हरकतें जैसी हैं आईपीएल और देश कभी भी उन्हें इजाज़त नहीं देगा।